बिग बॉस 13 में जब सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल एक दूसरे से मिले थे तो शायद ये इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से इस कदर अटैच हो जाएंगे कि हर जगह बस एक दूसरे को ही याद करेंगे और एक दूसरे के बारे में ही बातें करेंगे। वहीं ऑडियंस ने भी शायद उस समय ये नहीं सोचा होगा कि वो लोग भी 4 महीनों के दौरान इस जोड़ी से इस कदर अटैच हो जाएंगे कि इनके बिना रह नहीं पाएंगे। सिडनाज और सिडनाज के फैंस का रिश्ता ऐसा ही है। सिडनाज यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बिग बॉस के घर में ये दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते रहे, लेकिन दोस्ती में जो प्यार दिखा वो शायद आजकल असली रिलेशनशिप्स में भी नहीं होता है। सिद्धार्थ और शहनाज ने एक दूसरे के लिए हर वो चीज की जो एक दूसरे के लिए लोग प्यार में करते हैं। वहीं बिग बॉस 13 अब खत्म हो चुका है, लेकिन सिडनाज की हवा अभी भी बह रही है। ऑडियंस हर पल ये जानने के लिए बेताब रहती है कि क्या सिडनाज यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या इन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है, क्या ये दोनों आगे चलकर एक साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल ऑडियंस के मन में आते रहते हैं। हालांकि जिस कदर इन दोनों का बॉन्ड घर के बाहर भी नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया है और ये दोनों डेट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खुलकर मीडिया में कहने से बच रहे हैं। शहनाज गिल तो हर मौके पर सिद्धार्थ के लिए अपना प्यार जताती नजर आती हैं। वो तो खुलकर कहती हैं कि मेरा प्यार एक तरफा ही सही, लेकिन प्यार तो है। शहनाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने में कि वो सिद्धार्थ से प्यार नहीं करती हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि शहनाज सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हैं। यही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज से प्यार करते हैं, ये बात भी अब साबित हो चुकी है। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला हाल ही में आइसोमेस मीडिया फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए नोएडा पहुँचे थे। यहाँ पर एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज से जुड़ी कई बातें कबूली। रिपोर्टर्स से शहनाज के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला हर पल ब्लश करते हुए नजर आए। यही नहीं, बातों ही बातों में सिद्धार्थ शुक्ला ने ये भी कह दिया कि प्यार है। जी हाँ, जब सिद्धार्थ शुक्ला का रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही थी उस दौरान रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये प्यार है, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने पहले तो कहा कि प्यार है, फिर उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया और कहा दोस्ती है। यानी कि बातों ही बातों में जुबान जरूर ही फिसल गई और यकीन हो गया कि सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज गिल से प्यार करते हैं। यही नहीं, रिपोर्टर ने जब उनसे ये बात कबूलवाने की कोशिश की तो सिद्धार्थ शुक्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप क्या कबूलवाना चाहती हैं? तो रिपोर्टर ने कहा कि कबूल है कबूल है। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि वो एक शो कर रही है। यानी कि बात साफ है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपने प्यार का इजहार सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शहनाज गिल अभी एक अलग ही तरीके के फॉर्मेट का शो कर रही हैं, जिसमें उनका सिंगल होना जरूरी है। जब सिद्धार्थ शुक्ला ऑडियंस में बैठी कुछ लड़कियों के साथ डांस करते नजर आए तो इसके बाद सिद्धार्थ से रिपोर्टर ने पूछा कि क्या किसी में शहनाज की फील थी, तो इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शहनाज बिल्कुल अलग है। यानी कि सिद्धार्थ ने साफ कर दिया कि शहनाज जैसी कोई नहीं है और सिद्धार्थ के लिए शहनाज कितनी ज्यादा मायने रखती है। यही नहीं, पिछले दिनों दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला ने ये भी कबूला है कि अगर उन्हें सिडनाज का शो करने का मौका मिलेगा तो वो उस पर जरूर सोचेंगे और हो सकता है कि वो इस पर जरूर काम करें। यानी कि ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ऑडियंस को सिडनाज का शो देखने को मिल सकता है और शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की वो केमिस्ट्री जिसे बिग बॉस में ऑडियंस देखा करती थी वो एक बार फिर पर्दे पर नजर आ सकती है। तो ये थी सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी एक खास खबर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।